पार्टी है और मैं अभी भाजपा में प्रदेश कार्य समिति में सदस्य हूँ, कार्यकर्ता सहायता प्रकोष्ठ में। और अभी मुझे मेरे भाई साहब के द्वारा मुझे बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिली है और मैं उस जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी से निर्वहन करूँगी। जो जिम्मेदारी मुझे मिल रही है वो प्रदेश मजदूर का मनरेगा मजदूर का मेरे को मिल रहा है। प्रदेश का सारा जिम्मेदारी जो उनका रख रखाव, उनके जो बोलते हैं उनके साथ जो अभी अन्याय हुआ है उस पर हमें कदम उठाना होगा और उनको जो है अच्छा जीवन निर्वहन हो उसके लिए मुझे हमेशा प्रयासरत करना पड़ेगा। और भाई साहब के जो भी हमारे बारे में जो अभी तक विचार थे उस पर पूरा खरा करने का मेरा पूरा प्रयास है। ठीक है, एक बस सामने देखिए। क्या उद्देश्य आज की प्रेस वार्ता का प्रमुखता का उद्देश्य बताने से पहले हम अपना रेफरेंस आपको देना चाहते हैं। और वैसे आप लोग हमें भली बात जानते हैं लेकिन पुनः मैं एक बार दोहरा देना चाहता हूँ। सहयोग एवं कार्यकर्ता सहायता प्रकोष्ठ भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश का, मैं सह संयोजक हूँ प्रदेश का, मनरेगा का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ ऑल इंडिया मनरेगा मजदूर यूनियन का, और ICDS वर्कर का भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, संस्थापक अध्यक्ष हूँ। इसकी स्थापना ही 87 में मैंने किया था और शायद पूरे भारत में आंगनबाड़ियाँ मेरे नाम से ही जानी जाती हैं, विभाग को बाद में जाना जाता है क्योंकि मैंने लगातार संघर्ष किया 40 वर्षों तक। और वैकल्पिक आचार शिक्षा मदरसा निदेशकों का भी मैं संरक्षक हूँ। अखिलेश सरकार में आपने देखा होगा 4 महीने 23 दिन लक्ष्मण मेला पर मैं लगातार बैठा था और मेरा ही एक तम्बू बचा था जिसको प्रशासन ने कभी उखाड़ने की हिम्मत नहीं उठाई क्योंकि संघर्ष में बल होता है और मैं संघर्ष किसी भी सीमा तक जाके करता हूँ। आपको फॉर एग्जाम्पल एक उदाहरण मालूम होगा, भारत की पहली बड़ी घटना मेरे हाथ से हुई थी 1998 23 सितंबर 1998 को मिस्टर अरुण सिंगल गोरखपुर तत्कालीन जिलाधिकारी को बाढ़ पीड़ितों की समस्या पे मैंने बहुत मार मारा और 17 जून को राजन शुक्ला DM बन के आए थे, स्पेशल मेरी गिरफ्तारी के लिए ही भेजा गया था उन्हें गोरखपुर, उनकी भी धुलाई यही हुई थी क्योंकि गलत मैं बर्दाश्त नहीं करता। और इसीलिए मनरेगा मजदूर यूनियन में मैंने अभी तत्काल प्रदेश अध्यक्ष को हटाया, सुष्मिता राघव जो हाईकोर्ट की मानी जानी अधिवक्ता भी हैं तो उन्हें मैं हटाया हूँ स्वास्थ्य कारणों से और उनके स्थान पे लखनऊ की एक तेज तर्रार बेटी मुझे मिल गई हैं कि मुझे ये मालूम है कि मनरेगा मजदूरों की लड़ाई अब मुकाम तक पहुँचेगी, तो मैंने तुल्लिका त्रिपाठी जी पर आज मुहर लगा दिया है जिनका नियुक्ति लेटर भी आपके सम्मुख है। इसका मुख्य उद्देश्य है मजदूरों का विकास, चाहे वो IAS IPS अफसर हो किसी भी सरकारी उसमें विभाग में, वो केवल शोषण करता है तो गरीबों का, और गरीबों में मजदूर तबके का ही शोषण होता है। मेरा मानना है कि यहाँ शोषण तभी बंद होगा जब मजदूरों की सरकार बनेगी, अभी तक मजदूरों की सरकार नहीं बनी है। नो डाउट भारतीय जनता पार्टी बेहतर सेवा दे रही, इसलिए नहीं मैं कह रहा हूँ कि मैं पार्टी का वर्कर हूँ, सेवा बेहतर दे रही। पहली बार प्रदेश में और देश में लग रहा सरकार काम कर रही, अब तक पार्टियां काम करती थी, पहली बार सरकार काम कर रही है, बेटियां सुरक्षित हैं, बहुएं सुरक्षित हैं और ये सारी चीज़ें और माफियागिरी बंद है। इनको दृष्टिगत रखते हुए मैं योगी जी को विशेष धन्यवाद देता हूँ। योगी जी मेरे शहर से सांसद होते थे, मेरे छोटे भाई हैं, वो मंच से मुझे बड़ा भाई बोला करते थे, मैं उनको तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। योगी जी दिनों दिन आगे बढ़ें लेकिन मजदूरों का ध्यान दें। अभी हाल ही में आपने देखा होगा 2020 को मैंने घोषणा कराई थी माननीय आदित्यनाथ जी से, जिसमें आवास और पेंशन की सुविधा, जो मेरी मांग थी आवास और पेंशन की सुविधा मजदूरों को दिया जाए, उस पर सहमति बन गई, कैबिनेट में प्रस्ताव पास हो गया है और जल्दी ही उन्हें आवास की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। सारी सुविधाएँ मैं मजदूरों तक पहुँचाना चाहता हूँ क्योंकि सबसे वंचित और शोषित कोई है तो मजदूर है। जिस दिन भारत का मजदूर शोषित और वंचित नहीं रहेगा, वो मेरी बगल में बैठेगा, उसी दिन भारत का उदय होगा, न्यू भारत का स्थापना होगी, न्यू इंडिया की स्थापना तभी होगी और इसीलिए मैं लगातार संघर्ष कर रहा हूँ। तभी क्या लगता है मजदूरों के लिए मौजूदा सरकार ने क्या कदम उठाया? तत्काल में तो दो डिमांड हमारी पूरी हुई है, पेंशन की व्यवस्था और मकान की व्यवस्था। अगर वो मनरेगा मजदूर हैं तो उन्हें आवाज देना प्रधान की मजबूरी बनेगी। अभी तक कितनों कितने मजदूर वर्ग के लोगों को आवंटित किया गया? अभी तो तत्काल कैबिनेट में पास हुआ है, अभी पारित हो गया है, अब वो आवंटित होगा, नहीं आवंटित होगा तो मैं अपनी ही सरकार में झंडा डंडा उठाने के लिए मैं मशहूर हूँ। ठीक है।